हम लोगों ने पिछले टर्म पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट वन, जिसमें हम लोगों ने ईएमएफ पढ़ा था, सेल का टर्मिनल वोल्टेज वगैरह। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो टर्मिनल वोल्टेज पढ़ा था हम लोगों ने, ये क्या था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। इसके अलावा ईएमएफ। थोड़ा सा ये टॉपिक बाकी था इसमें, तो इसको हम लोग थोड़ा सा पूरा करेंगे आज। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, सपोज दैट ऐसे कोई सर्किट है आपका, ये इसका ईएमएफ है और ये सेल अटैच है किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये कौन सा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर। और सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, सपोज दैट आई, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है, जब जब सर्किट में करंट फ्लो होती है, तो ये जो सेल के क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स, और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे होता है ना। ये इसकी वर्किंग पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री में, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, और ये सेल के क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स, कैथोड्स एंड एनोड्स। तो जब सेल से करंट ड्रॉ होती है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इसके अलावा इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एज वेल एज एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स विच इज इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह इंटरनल रेजिस्टेंस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, ऐसे आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो इसको जल्दी से डेराइव कर लेते हैं हम लोग। ये आपका ऐसे है, ये कोई सर्किट है, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल आर, करंट फ्लो रहा है आई, ठीक है ना। मार्क कर लो, प्लस माइनस माइनस प्लस, और इसमें यूज करिए बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो कैसे करेंगे, यहाँ से क्रॉस करिए तो माइनस,
माइनस आई आर, फिर इसको क्रॉस किया अगेन माइनस आई आर, इसको क्रॉस किया प्लस ई इक्वल टू जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई आर प्लस आर इक्वल टू ई, यानी आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ये वाली इक्वेशन बार बार यूज होती है किसी भी सर्किट के लिए। आई इक्वल टू कितना होता है, ई बाई आर प्लस आर। तो इसको कई बार आप लोग नेक्स्ट टाइम से हम लोग इसको डायरेक्ट भी यूज करेंगे। इसके बाद इसके इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज या सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कितना हम लोगों ने निकाला था, ये पहले हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें इतना डराइव करना है। तो क्या करना है हम लोगों को, इस रिलेशन में आई नहीं आ रहा तो आई को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे दोनों इक्वेशन से। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, आई की वैल्यू पुट अप करो यहां पर, तो वी इक्वल टू ई माइनस, आई की वैल्यू कितनी है, ई बाई आर प्लस आर इंटू आर, ठीक है ना। एलसीएम ले लो इसमें आर प्लस आर, तो सॉल्व करो तो कितना आएगा, ई आर प्लस ई आर माइनस ई आर, ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा वी आर प्लस वी आर इक्वल टू ई आर, दैट इज वी आर, ये उधर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ई माइनस वी इंटू आर, तो आर इक्वल टू आ जाएगा ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ये इसका हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसमें कई बार कुछ ग्राफ्स वगैरह भी पूछते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा ग्राफ देखेंगे हम लोग। तो ग्राफ के लिए हम लोग देखिए इंपॉर्टेंट ग्राफ से कुछ, पहला वाला ग्राफ है वी वर्सेस आई, टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाना है हम लोगों को। थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज होती है इसमें, कोई स्ट्रेट लाइन यदि आपको दी गई है इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। तो इस फॉर्म में ये डिस्टेंस होती है ए, इसको क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, और ये डिस्टेंस बी, दैट इज वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग ग्राफ खींचना है किसके बीच में, यहां पर हम लोग ले लेते हैं वी और यहां ले लेते हैं हम लोग आई। तो रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन है v इक्वल टू e माइनस आई आर। तो हमने x एक्सिस में क्या लिया, करंट, x एक्सिस में क्या लिया, करंट, और y एक्सिस में क्या लिया हम लोगों ने, v यानी
टर्मिनल वोल्टेज, तो इसको रखिए इसमें, तो कितना आ जाएगा y is equal to E माइनस आर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लाएंगे इस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो हो जाएगा आर एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई, ई से डिवाइड कर दो तो आर एक्स वाई ई प्लस वाई बाई ई इक्वल टू वन, दैट इज एक्स अपॉन ई वाई आर प्लस वाई अपॉन ई इक्वल टू वन, है ना। तो दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है, और इसका इस लाइन का ये क्या है, यदि इसको आप कंपेयर करें किससे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, तो इस लाइन का ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट, और ये क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। तो यानी इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, ई वाई आर, और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ई के बराबर। यानी ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे। ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, ये कितना हो जाएगा, ई वाई आर, और वाई इंटरसेप्ट कितना है, ई, ऐसे। और इसको यदि हम लोग कंपेयर करें किससे, y is equal to mx plus c से, तो m के प्लेस में कितना आ जाएगा, माइनस r, तो यानी इसकी स्लोप हो जाएगी माइनस r। तो v और i का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, जिसका x इंटरसेप्ट होता है e y r, और y इंटरसेप्ट होता है e, और इसकी स्लोप कितनी होती है, स्लोप होती है नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, क्लियर। इसके अलावा और भी ग्राफ होते हैं इसमें, जैसे सेकंड ग्राफ है, E वर्सेस R, तो इसका यदि यहाँ पर आपका EMF है, और ये क्या है, R, तो इसका ग्राफ हमेशा रहेगा कांस्टेंट, ऐसे। इस तरह से एक और ग्राफ होता है, यदि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस रेजिस्टेंस, वी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, और आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आई वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, और आई इक्वल टू होता है ई अपॉन आर प्लस आर, दैट इज V इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन, ये R नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस R बाई R। तो इसमें इस रिलेशन से देखिए, यदि when R tends to zero तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, दैट इज E बाई इन्फिनिटी जीरो, then V tends to zero, and when R tends to infinity then यहां से कितना आ जाएगा, V tends to E, इस रिलेशन से देखिए।
वी और आर का ग्राफ देखो ऐसे बनेगा आपका, ये तो ई हो गया ऐसे, समझ गए? तो ये कुछ इसके ग्राफ थे, डायरेक्ट इसके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, आया था ये जेई में। इसमें क्या पूछा गया था, देखिए दो सेल्स हैं, दोनों का ईएमएफ सेम है, बट देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट। ठीक है ना? और इसमें ये पूछा गया था, इफ टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल वन इज जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, ये पूछा गया था इसमें। तो इसमें पहले मार्क करिए, मान लो करंट जा रही है यहां से आई ऐसे, और इसमें जब आप लगाओगे वोल्टेज लॉ तो आई इक्वल टू आ जाएगा 2E अपॉन आर प्लस आर वन प्लस आर टू, और पहले वाले सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज दिया गया है जीरो, तो V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर ऐसे। आई की वैल्यू पुटअप कर दो वहां से, या यू कैन राइट इट एज ई इक्वल टू आई आर वन, यानी ई इक्वल टू आई आर वन, और आई की वैल्यू ये वाली ये पुटअप करो यहां पर, तो कितना आ जाएगा, 2E अपॉन आर प्लस आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन, ई से ई कैंसिल, फिर सिंप्लीफाई करिए, आर प्लस आर वन प्लस आर टू इक्वल टू आर वन, सॉरी 2R1, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर वन माइनस आर टू, ऐसे हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? तो ये था सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज। चलो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे अब सिमेट्रिकल सर्किट्स के बारे में, सिमेट्रिकल सर्किट्स टू फाइंड आर इक्विवेलेंट। सीरीज और पैरेलल से तो आप निकालना सीख चुके थे, लेकिन कुछ सर्किट्स आसानी से, उसमें सीरीज और पैरेलल पहचानना मुश्किल आसान नहीं होता है, तो कई बार सिमिट्री से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये मान लो आपका ऐसे एक सर्किट ले रहे हैं हम लोग, ये पॉइंट ए दिया गया है और ये पॉइंट दिया गया है बी, और सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं यहां पर आर आर के बराबर, और हमें फाइंड करना है
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो इसमें ये जो ये आपके जो सिमेट्रिकल सर्किट्स हैं इसमें देखिए पहला मेथड है इनको सॉल्व करने का, इनको बोलते हैं पहला मेथड होता है मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। इसको देखिए कैसे यूज करते हैं हम लोग। यदि हमें ए और बी के बीच निकालना है, ए और बी के बीच निकालना है नेट रेजिस्टेंस, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर को चाहो तो ऐसे कर लो, यहां पर आर बाई टू और यहां भी आर बाई टू, तो यहां पर आप ड्रॉ करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। यदि यदि इसको आप मिरर मान लें, यदि इसको आप ऐसे मान लें कि ये मिरर है, और यदि आप देखें कि जैसा सर्किट इधर है वैसे ही आपका मिरर के उस साइड है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं कौन सी सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री का यूज कब करते हैं हम लोग, यदि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इज टेकन एज मिरर एंड अबाउट दिस लाइन द सर्किट इज सिमेट्रिकल, है ना, एंड अबाउट दिस लाइन सर्किट इज सिमेट्रिक। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होगा। इस केस में क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन विल बी एट सेम पोटेंशियल, ठीक है ना। तो पहली बात तो मिरर सिमेट्री कब यूज करनी है ये समझ में आ गया। अब लेकिन इसका यूज कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे आपका ये दिया गया है ना, ये जो पॉइंट है आपका, इसको आप सर्किट ऐसे बना सकते हो, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, आर आर इधर, आर इधर, आर ऐसे, ठीक है ना। दिस सर्किट कैन बी रीड्रॉ लाइक दिस। तो ऐसे कैसे हुआ, इसका देखिए लॉजिक क्या है ऐसा करने का। देखो यहां से मान लो करंट गई आपकी, यहां से आई करंट गई और यहां पर जा रहा है आई वन और यहां जा रही है आई टू। यदि सर्किट से आई करंट जा रही है तो वापस कितनी आएगी, वापस भी कितनी आएगी आई, ठीक है ना। और यदि आप यहां पर देखें गौर से, तो जितनी
जैसे करंट, जैसा सर्किट ऐसे है यहाँ पर है, वैसे सेम सर्किट क्या है यहाँ पर है, सर्किट इज सिमेट्रिकल। यदि यहाँ से I1 करंट जा रही है और इधर से I2 करंट जा रही है, तो सिमेट्रिक सर्किट होने की वजह से यदि I2 यहाँ से जा रही है तो यहाँ से कितनी आना चाहिए, ऑफ कोर्स I2, और यहाँ से यदि I1 जा रही है तो यहाँ से कितनी आनी चाहिए, I1। यदि जैसा सर्किट यहाँ पर है और वैसी सेम यहाँ पर है, इट मीन्स करंट जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यदि करंट जा रही है I1, यहाँ से करंट कितनी जा रही है I1, जाने दो इसको, जाने दो, इधर से भी कितनी जा रही है I1। यदि I1 करंट ऐसे जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से इस सर्किट का इधर पर कोई कंट्रीब्यूशन करंट के लिए नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ये पार्ट कैसा कर दिया, यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। नाउ दिस सर्किट इज सॉल्वेबल, इस सर्किट को अब आप सॉल्व कर सकते हो। कितना हो जाएगा, देखो R और R हो जाएगा 2R, ये 2R हो गया ना, इसके बाद और यहाँ पर कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 2R, ये वाला हो गया आपका A और B, ये हो गया 2R, ये वाला यहाँ पर R, ये R, R और R, ये कितना हो गया 2R, और यहाँ पर भी R। इसके बाद ये दोनों कैसे हैं आपके पैरेलल में, तो इसको इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R, यानी 2y 3R। तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग इससे, 2R/3, और अब सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी के साथ। तीनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, दैट इज ऊपर का कितना हो जाएगा आपका R प्लस R प्लस 2R/3, और नीचे का सर्किट कितना है 2R, तो ये कितना हो जाएगा 8R/3, ठीक है ना, और इसके बाद दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 2R × 8R/3 अपॉन 2R + 8R/3, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो ये तो होती है आपकी क्या, कौन सी सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। और दूसरी टाइप की सिमेट्री होती है, सेकेंड टाइप की सिमेट्री होती है फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है आपका कि मान लो एक कोई सर्किट है, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, ऐसे ईच रेजिस्टेंस इज R। तो फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब होता है कि यदि हम AB के अक्रॉस इसको फोल्ड करें, AB
ए बी दिख रहा है आपको, ए बी, ए और बी के बीच निकालना है हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ए बी के सर्किट जैसा ऊपर है और वैसा ही नीचे है, हालांकि यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री, यहाँ पर मिरर सिमेट्री भी होगी, दैट इज अनदर फैक्ट, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री कब होती है, कब काम आती है, जब ए बी के अबाउट जो आपका सर्किट है वो आपका कैसा हो, सिमेट्रिक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसको फोल्ड कर देते हैं ऐसे, जैसे आपका ये क्या है, ऐसे ये लाइन मान लो आपकी क्या है, ये लाइन ए बी है, तो ऐसे यदि आप फोल्ड कर दें, फोल्ड ये नीचे वाला, नीचे वाला पार्ट क्या करें, ऐसे फोल्ड कर दें हम लोग। फोल्ड करने से क्या होगा देखो, अच्छा देखो, जैसा सर्किट ऊपर है वैसे सर्किट कैसा है, नीचे है। तो इससे आप कह सकते हो यदि यहाँ का पोटेंशियल x है तो यहाँ का कितना हो जाएगा, यहाँ का भी x, दोनों तरफ आइडेंटिकल कंडीशंस हैं, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल x तो यहाँ का कितना हो गया x। इस तरह से यदि यहाँ का पोटेंशियल y तो यहाँ का कितना हो गया y, यहाँ का z तो यहाँ का z, ठीक है ना। और ये मान लो आपका वी ए है और ये वाला वी बी। अब देखो ये इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए माइनस एक्स, और इसके अक्रॉस बी कितना है, वी ए माइनस एक्स। ये और ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये कैसे हैं, पैरेलल में। इसी तरह से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वाई और इसके भी अक्रॉस कितना है, x माइनस वाई, इसका मतलब ये और ये कैसे हो गए, पैरेलल में। सिमिलरली ये और ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस है इनका, इसका भी कैसा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो अभी अभी क्या करोगे आप, जब आप क्या करोगे, इसको फोल्ड करोगे, जब फोल्ड करोगे ऐसे सर्किट को कैसे करना है, ऐसे ए बी के अक्रॉस आपको क्या करना है, फोल्ड करना है। और फोल्ड करने पर क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे जाएगा, इसके ऊपर, ये वाला कहाँ जाएगा, इसके ऊपर। तो जो दो रेजिस्टेंसेस आपस में टकराएंगे वो कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। इसका सर्किट कैसे बनेगा देखो, अच्छा फोल्ड करने के बाद सर्किट कैसे बनाएगा, ऐसे आधा सर्किट बनाइए, ऐसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी। अब देखो फोल्ड, आफ्टर फोल्डिंग सर्किट ऐसा आ जाएगा, तो आर किस में जाएगा, आर ओवरलैप करेगा इसके साथ, तो ये वाला और ये कैसे हो जाएंगे आपस में, पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई आर प्लस वन बाई आर, दैट इज टू बाई आर। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाई टू, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर बाई टू। इस तरह से ये वाला और ये वाला, ये आपस में पैरेलल होंगे, इसका भी r बाई टू, इसका भी r बाई टू, ये r, ये r, r बाई टू, r बाई टू, ठीक है ना। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करना है आपको। तो अब देखिए फोल्डिंग सिमेट्री से तो इतना आ गया, अब जब आप इसमें लगाओगे मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री में
ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होता है? सेम, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इट विल एक्ट एज अ इक्विपोटेंशियल लाइन। तो जब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो यानी इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, बिकॉज करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो सर्किट आपका बचेगा ऐसे। R by 2 and R by 2 and now this circuit is solvable। तो ये दो तरह की सिमेट्री आज आपको पढ़ाई गई, फर्स्ट वन इज मिरर सिमेट्री एंड सेकेंड वन इज फोल्डिंग सिमेट्री। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।